अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जी, क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी, आज हम लोग आए थे ग्रॉसरी शॉपिंग करने। तो हम लोग आ गए थे लुलू हाइपर मार्केट, जो कि माजियात मॉल में है। तो जी, यहाँ पर ऑफर्स तो बहुत सारी आई हुई हैं, लेकिन उन चीज़ों पर नहीं आई हुई इस बार जो हमें चाहिए थी। कुछ चीज़ें थी ऐसी जो हमें मिल गई ऑफ़र में। तो जी, सबसे पहले हमने यहाँ से शाल के लिए चिप्स ले लिए थे, और हमने लिया था अल बेकर्स का आटा, जो कि 15 दिरहम का होता है, तो अभी 13 दिरहम का मिल रहा है हमें। यहाँ पे शाल भी काफ़ी स्लीपी हो रही थी, तो हमें बस जल्दी जल्दी ही यहाँ से निकलना है। तो जी, अभी आटा और चिप्स हमने ले लिया है, और अभी चलते हैं स्पाइसेस के सेक्शन में। तो जी, यहाँ पर हम लोग आ गए थे, यहाँ पर शान के मसाले भी रखे हुए थे और मेहरान के मसाले भी थे, और भी बहुत सारी कंपनीज़ थी, इंडियन कंपनीज़ भी थी और यहाँ की ख़ुद की कंपनीज़ भी थी। तो जी, यहाँ पे मैंने चाट मसाला ले लिया था सबसे पहले, काफ़ी दिन से ख़त्म हुआ हुआ था। वैसे इतना यूज़ होता नहीं है, लेकिन जब नहीं होती कोई चीज़ तो उसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो जी, इसके साथ ही मैंने पुलाव बिरयानी मसाला ले लिया था, और ले लिया था मैंने चपली कबाब मसाला। इस बार मैं मंथली सामान बना के रखूँगी, क्योंकि रमज़ान के बाद से मैंने कुछ भी बना के नहीं रखा फ्रिज में, तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। अब हम आ गए थे दालों के सेक्शन में। बहुत सारी दालें लेनी है आज, मेरी सारी घर में ख़त्म हो चुकी है। वैसे तो मैं अक्सर ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ जब भी मुझे ज़रूरत होती है, लेकिन इस बार मेरे पास सारी दालें ख़त्म हो चुकी हैं। तो जी, दाल लेती हूँ मैं बयारा की या फिर लूलू की। बयारा की थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है, और उसी तरह लूलू की भी क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन इनकी प्राइस काफ़ी कम होती है। तो अभी मैंने यहाँ से ले ली थी। स्पाइसेस तो आप लोग बयारा के ही लिया करें, जो भी खुली हुई मिर्ची होती है ना, लाल मिर्च होती है या कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर, वो सब बयारा का बेहतरीन होता है, तो आप लोग भी वही लिया करें। तो जी, यहाँ से मैंने मूंग की दाल ले ली थी, काली दाल ले ली थी, चने की दाल ले ली थी। इसके साथ ही पास्ता सेक्शन था, तो यहाँ से मैं लेती हूँ एमरेट मैक्रोनी की पास्ता। बहुत अच्छे होते हैं ये, इसकी प्राइस भी बिल्कुल सही होती है, और बिल्कुल सही कुक होते हैं ये। इस जगह पे भी काफ़ी सारी ऑफर्स लगी हुई थी, यहाँ आपको दिख रहा होगा साइड में। इनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए हमने नहीं लिए। तो जी, अब हम आ गए थे सॉसेस वगैरह के सेक्शन में। यहाँ पे मिलता है अचार, मेयोनीज, केचप, जिंजर गार्लिक पेस्ट और पास्ता सॉस वगैरह वगैरह, जो भी सारी सॉसेस होती हैं यहाँ पे मिलती हैं। तो मैंने यहाँ पे शान का मिक्स्ड पिकल ले लिया था, छोटा ही लिया था। यहाँ पे ऑलिव ऑयल पे भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट था, तो मैंने यहाँ से 2 लीटर ले लिया था फिलहाल। नॉर्मली हम लोग 4 लीटर वाला लेते थे, वो 90 का पड़ता था, तो ये काफ़ी अच्छा डिस्काउंट था। इसके साथ ही मैंने डिश सोप भी ले लिया था, फेरी का लिया था मैंने पिंक वाला, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इससे हाथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, क्योंकि यहाँ का पानी तो आप लोग जानते ही हैं, इसलिए ये बेस्ट है। उसके बाद हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल साइड आ गए थे, तो एप्पल्स तो अच्छे नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैंने 2-3 ही ले लिए थे फिलहाल। इसके बाद मैं अनियंस लेने आ गई थी, और यहाँ आके देखा तो अनियंस भी ख़राब हो रहे थे, तकरीबन सारी ही वेजिटेबल्स और फ्रूट ख़राब हो रहे थे, समर इसकी वजह से ज़ाहिर है, पर इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी वेजिटेबल्स लेने में, तो मैंने थोड़ी थोड़ी ही ले ली थी सारी। यहाँ पर मुझे एक मूली थोड़ी सी फ्रेश लग रही थी, तो मैंने सोचा यही ले लेते हैं फिलहाल, मूली के पराठे वगैरह बन जाएंगे किसी दिन। तो जी, यहाँ पे हमने प्राइस लगवा ली थी वेजिटेबल्स वगैरह की। उसके बाद हस्बैंड मीट ले रहे थे, तो मैं यहाँ ब्रेड लेने आ गई थी। लूलू पे मीट काफ़ी अच्छा मिलता है, और हर कंट्री का मिल जाता है, पाकिस्तानी, इंडियन, ब्राज़ीलियन, इनके बेकरी आइटम्स भी बहुत टेस्टी होते हैं, मैंने काफ़ी सारे ट्राई किए हुए हैं। तो जी, यहाँ पर ट्रॉली मेरी काफ़ी हैवी हो गई थी, और मुझसे एक हाथ से चलाया नहीं जा रहा था, क्योंकि एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था। तो जी, यहाँ पर मैं बोनलेस चिकन लेने आई थी, और मुझे यहाँ सही प्राइस में नहीं मिली, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। कुछ टाइम में ऑफ़र लग जाती है, तो तभी ले लें, मैंने सोचा फजूल में अभी डबल प्राइस में क्यों लूँ मैं। तो जी, आप लोगों को जब भी चिकन लेनी हो, तो आप लोग सादिया या सियारा की ही लिया करें, ये जो एक्स्ट्रा ऑफर्स होती हैं ना, फजूल की होती हैं वो, बहुत अल्ताम वगैरह वगैरह करके, वो बिल्कुल चिकन उसकी जो होती है वो मेल्ट हो जाती है। तो जी, हम डेयरी सेक्शन में आ गए थे, यहाँ से हमने सिर्फ दूध लेना था, और चीज़ वगैरह घर पर रखी हुई है, तो इसलिए अभी इसकी नीड नहीं है, या चॉकलेट सेक्शन था। तो जी, बस पेमेंट करवाते हैं और फिर चलते हैं घर। तो जी, पेमेंट हो चुकी है, और अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।